जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय। ये शीशम की लकड़ी का बेड है और इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्लाई का बनाया गया है और इसमें जो लकड़ी प्रेस की गई है शीशम की वो भाई 12 इंची चौड़े और 10 एमएम की थिकनेस वाली लकड़ी इसमें पूरी चारों तरफ से प्रेस की गई है, बैक साइड में भी प्रेस की गई है। तो इस तरीके से भाई ये बेड है, आप लकड़ी की ग्रेन्स, लकड़ी की खूबसूरती देख सकते हैं। इस प्रकार से भाई बैक साइड में भी पूरी लकड़ी प्रेस की गई है जिससे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, शीशम की लकड़ी का बेड अगर बनना है तो भाई उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई जो आपके डीको पेंट वाले बेड आते हैं, जो एमडीएफ वाले आते हैं, जो माइका वाले आते हैं, उनसे डबल ट्रिपल लाइफ होती है, क्योंकि भाई शीशम है, शीशम में घुन कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और ये निगम की शीशम है, ग्रेन्स आप देख सकते हैं। निगम की जो शीशम आती है उसमें क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, ऑयल कंटेंट की मात्रा अच्छी मिल जाती है। तो इस प्रकार से भाई आपको अंदर का स्टोरेज मिल जाता है, तो पूरी लकड़ी जो है आपको चारों तरफ से प्रेस करके मिलती है। और जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है प्लाई का, वो 18 mm प्लाई का चारों तरफ का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस तरीके से भाई आपको क्वालिटी मिल जाती है निगम में, क्योंकि निगम की भाई जो लकड़ियाँ होती हैं उनमें ग्रेन्स बहुत प्यारे मिलते हैं आपको। सामने दो दराज आपको मिल जाती है, इसमें भी स्टोरेज मिल जाता है आपको। इनको खींच के आप निकाल के स्टोरेज कुछ भी सामान आप रख के अंदर कर सकते हैं। अगर भाई इसकी लाइफ की बात करूँ तो भाई ये माइका वाले जो आपके बेड बनते हैं, जो आपके डीको पेंट वाले जो बीनियर वाले बेड बनते हैं, तो भाई उनसे कई ज़्यादा इसकी लाइफ होगी, क्योंकि भाई ये पूरी लकड़ी है, टूटने फूटने का कोई ख़तरा इसमें है नहीं। 8-9 साल के बाद भाई इसके ऊपर फिर से एक बार पॉलिश करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से भाई ये आपको नया लगने लगेगा, नए लुक में आ जाएगा। ये तो मैट फिनिश में पॉलिश है, शाइनिंग में भी आप करवा सकते हैं, वैसे मैट फिनिश पॉलिश बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा लुक है, और अंदर भाई स्टोरेज मिल जाते हैं इसी प्रकार से। दो स्टोरेज बैक साइड के हैं और बाकी दराज का स्टोरेज है। दराज को ओपन करके आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका प्राइस को लेकर, तो भाई इसका जो प्राइस है वो 32,000 रुपये प्राइस है लकड़ी चारों तरफ से प्रेस करने का। और जो इसके अंदर 18 mm की प्लाई लगाई गई है, वो प्लाई भाई MR ग्रेड की प्लाई उसमें लगी हुई है, जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई होती है, टर्माइन रेजिस्टेंट भी होती है। तो इस प्रकार से भाई 32,000 में कुल इसका प्राइस आया है। अगर आप शीशम की लकड़ी का बेड बनवा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, लकड़ी पूरी जो है पकी होनी चाहिए, 99% तक शीशम की लकड़ी पकी होनी चाहिए। कच्ची लकड़ी जो शीशम की होती है उसमें घुन या कीड़े पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लकड़ी पकी हुई है, उसके बाद ही पॉलिश पेंट किया गया है, क्योंकि भाई कस्टमर को सादा ही बना के हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद ही पॉलिश पेंट जो भी करना होता है करवाते हैं, क्योंकि भाई ऐसे देखने पर पता तो चल रहा है भाई कस्टमर को क्या है क्या नहीं है। आप अगर बेड बनवा रहे हैं, किसी से बनवा रहे हैं, तो इस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।